अब ये नीतीश जी के ऊपर है, बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुंझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। तो इसीलिए हम ये झुंझुना लाए देंगे आज सरकार को, सरकार के पटल पर रखेंगे। ये लीजिए झुंझुना जो आप कह रहे थे, तो अब तो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चन के आंसर में ये बात कह दिया कि बिहार को मिलेगा झुंझुना। देखिए विपक्ष राजनीति करते हैं, विपक्ष के पास जब ताकत था, जब मध्य रात्रि को विधानसभा भंग करवा दिए तो 10 साल तो बोले नहीं मनमोहन सिंह जी के समय में। अब जब बिहार केंद्र के विकास से, केंद्र के मदद से आगे बढ़ रहा है और इस बजट में भी बिहार को छलांग लगाने के लिए सब कुछ मिलने वाला है, तो हाय तवा मचा रहा है विपक्ष। विपक्ष को हाय तवा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तो वो तो वाद विवाद का जगह है, नहीं चलने देंगे, उनकी उनका संस्कार और संस्कृति है। लेकिन अगर डिबेट का वो जगह है, डिबेट में आएंगे तो विपक्ष जो भी शंका प्रकट करेगा उसका समाधान किया जाएगा। अब ये नीतीश जी के ऊपर है, बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुंझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। तो इसीलिए हम ये झुंझुना लाए देंगे आज सरकार को, सरकार के पटल पर रखेंगे। ये लीजिए झुंझुना जो आप कह रहे थे, तो अब तो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चन के आंसर में ये बात कह दिया कि बिहार को मिलेगा झुंझुना। देखिए विपक्ष राजनीति करते हैं, विपक्ष के पास जब ताकत था, जब मध्य रात्रि को विधानसभा भंग करवा दिए तो 10 साल तो बोले नहीं मनमोहन सिंह जी के समय में। अब जब बिहार केंद्र के विकास से, केंद्र के मदद से आगे बढ़ रहा है और इस बजट में भी बिहार को छलांग लगाने के लिए सब कुछ मिलने वाला है, तो हाय तवा मचा रहा है विपक्ष। विपक्ष को हाय तवा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तो वो तो वाद विवाद का जगह है, नहीं चलने देंगे, उनकी उनका संस्कार और संस्कृति है। लेकिन अगर डिबेट का वो जगह है, डिबेट में आएंगे तो विपक्ष जो भी शंका प्रकट करेगा उसका समाधान किया जाएगा। अब ये नीतीश जी के ऊपर है, बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुंझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। तो इसीलिए हम ये झुंझुना लाए देंगे आज सरकार को, सरकार के पटल पर रखेंगे। ये लीजिए झुंझुना जो आप कह रहे थे, तो अब तो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चन के आंसर में ये बात कह दिया कि बिहार को मिलेगा झुंझुना। देखिए विपक्ष राजनीति करते हैं, विपक्ष के पास जब ताकत था, जब मध्य रात्रि को विधानसभा भंग करवा दिए तो 10 साल तो बोले नहीं मनमोहन सिंह जी के समय में। अब जब बिहार केंद्र के विकास से, केंद्र के मदद से आगे बढ़ रहा है और इस बजट में भी बिहार को छलांग लगाने के लिए सब कुछ मिलने वाला है, तो हाय तवा मचा रहा है विपक्ष। विपक्ष को हाय तवा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तो वो तो वाद विवाद का जगह है, नहीं चलने देंगे, उनकी उनका संस्कार और संस्कृति है। लेकिन अगर डिबेट का वो जगह है, डिबेट में आएंगे तो विपक्ष जो भी शंका प्रकट करेगा उसका समाधान किया जाएगा। अब ये नीतीश जी के ऊपर है, बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो
अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुंझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। तो इसीलिए हम ये झुंझुना लाए देंगे आज सरकार को, सरकार के पटल पर रखेंगे। ये लीजिए झुंझुना जो आप कह रहे थे, तो अब तो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चन के आंसर में ये बात कह दिया कि बिहार को मिलेगा झुंझुना। देखिए विपक्ष राजनीति करते हैं, विपक्ष के पास जब ताकत था, जब मध्य रात्रि को विधानसभा भंग करवा दिए तो 10 साल तो बोले नहीं मनमोहन सिंह जी के समय में। अब जब बिहार केंद्र के विकास से, केंद्र के मदद से आगे बढ़ रहा है और इस बजट में भी बिहार को छलांग लगाने के लिए सब कुछ मिलने वाला है, तो हाय तवा मचा रहा है विपक्ष। विपक्ष को हाय तवा मचाने की कोई जरूरत नहीं है, अब बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तो वो तो वाद विवाद का जगह है, नहीं चलने देंगे, उनकी उनका संस्कार और संस्कृति है। लेकिन अगर डिबेट का वो जगह है, डिबेट में आएंगे तो विपक्ष जो भी शंका प्रकट करेगा उसका समाधान किया जाएगा। अब ये नीतीश जी के ऊपर है, बिहार के अंडा गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो अंडा गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर है कि झुंझुने को कितना वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह लेते हैं। तो इसीलिए हम ये झुंझुना लाए देंगे आज सरकार को, सरकार के पटल पर रखेंगे। ये लीजिए झुंझुना जो आप कह रहे थे, तो अब तो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चन के आंसर में ये बात कह दिया कि बिहार को मिलेगा झुंझुना। देखिए विपक्ष राजनीति करते हैं, विपक्ष के पास जब ताकत था, जब मध्य रात्रि को विधानसभा भंग करवा दिए तो 10 साल तो बोले नहीं मनमोहन सिंह जी के समय में। अब जब बिहार केंद्र के विकास से, केंद्र के मदद से आगे बढ़ रहा है और इस बजट में भी बिहार को छलांग लगाने के लिए सब कुछ मिलने वाला है, तो हाय तवा मचा रहा है विपक्ष। विपक्ष को हाय तवा मचाने की कोई जरूरत नहीं है, अब बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तो वो तो वाद विवाद का जगह है, नहीं चलने देंगे, उनकी उनका संस्कार और संस्कृति है। लेकिन अगर डिबेट का वो जगह है, डिबेट में आएंगे तो विपक्ष जो भी शंका प्रकट करेगा उसका समाधान किया जाएगा।